क्षेत्र के एक विवाहित का किडनैप कर रेप करने के आरोपियों की ओर से पीड़िता व परिजनों को धमकाकर कोर्ट में 164 के बयान दिलवाए जाने के आरोप लगाते हुए 28 ढाइयों के हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने रविवार को एसडीपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। आपको बता दें कि जावट समाज के धरना व प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी वीर सिंह गुज्जर, नई मंडी थाना प्रभारी गिरजात प्रसाद, थाना सदर प्रभारी बालकृष्ण, यातायात प्रभारी कैलाश चंद्र, उप निरीक्षक याद राम पुलिस बल के साथ डीएसपी ऑफिस पहुंच गए और समझाइश की। इस मामले में समाज के लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एसपी के नाम नायब तहसीलदार विजय कुमार जैन को ज्ञापन दिया है। एक घंटे धरना देकर लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वही धरना प्रदर्शन में शामिल नेमी चंद जाटव व अन्य लोगों ने बताया कि ढाई की विवाहिता को चार आरोपियों ने 23 जुलाई को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने 24 जुलाई को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने 28 जुलाई को विवाहिता को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। समाज के लोगों का आरोप है कि आरोपियों ने दुष्कर्म पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और कोर्ट में उनके खिलाफ बयान नहीं देने के लिए डराया धमकाया। आरोपियों की धमकी से परेशान होकर पीड़िता ने कोर्ट में दबाव के चलते 164 के बयान दर्ज करवाए। आरोपियों द्वारा पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मांग है कि 164 के बयान दोबारा दिलवाए जाने, पीड़िता को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता व परिवार को सुरक्षा दिलवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।